हेलो दोस्तों, आरडी जी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर फ्रीचार्ज के एप्लीकेशन से आप अगर कोई रिचार्ज करते हो तो आपको 100% का कैशबैक किस प्रकार से मिलेगा, इस बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है। अगर आप फ्रीचार्ज का एप्लीकेशन हमारे रेफरल लिंक से इंस्टॉल करते हो तो आपको सबसे पहले आपको 30 रुपये का फ्री में रिचार्ज कैसे करना है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं या आई वाले बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता चलेगा कि फ्रीचार्ज का एप्लीकेशन में आपको इंस्टॉल कैसे करना है और उसको आपको अकाउंट कैसे खोलना है। अगर आप ऐसा करते हो तो 50 रुपये और 30 रुपये, 80 रुपये का आपका फ्री में रिचार्ज हो जाएगा। तो इसी बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रीचार्ज के ऐप को डाउनलोड करना होगा और उस पर जाने के बाद आपको इस ऑफर पे जाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है 100% कैशबैक ऑन फर्स्ट रिचार्ज। जो भी आप रिचार्ज फर्स्ट टाइम करते हो फ्रीचार्ज से, तो आपको वो 100% कैशबैक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 100% कैशबैक ऑन फर्स्ट रिचार्ज बिल पे। अगर कोई बिल पे करते हो, पहला रिचार्ज है आपका मोबाइल का किसी भी प्रकार का, तो आपको 100% कैशबैक आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये क्या करना होगा, इसका ट्रांजैक्ट नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो ये ऑफर जो भी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको ये सब्सक्राइब नेम दे रहा है, उसके नीचे आपको आपका जो भी आपका मोबाइल नंबर से आपने फ्रीचार्ज अकाउंट बनाया वो आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको मोबाइल पे क्लिक करना होगा, मतलब रिचार्ज करना होगा। पूरे तो पूरे पैसे आपको वापस आने वाले, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको रिचार्ज करना हो तो आपको मोबाइल पे क्लिक करना है। मोबाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी रिचार्ज आप करना चाहते हैं मोबाइल पे, उसका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कौन सा ऑपरेटर है, आइडिया, वोडाफोन, जियो, कौन सा भी है तो आपको सेलेक्ट करना है। कौन से स्टेट से आप हो, सिम कार्ड कौन से स्टेट का है, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो आपको अगर प्लान मालूम है कौन सा प्लान है कितने रुपए का, तो आप वहाँ पे डाल के क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर प्लान से आप जो भी आपके ऑपरेटर के प्लान से उसको सेलेक्ट करके आप डाल दीजिएगा। 50 रुपये का अगर आप डालते हो तो आपको 50 रुपये गारंटेड आपको कैशबैक फ्रीचार्ज में फर्स्ट टाइम मिल जाते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर कोड आपको अप्लाई करना है। तो कौन सा, ये सबसे न्यू 50 मतलब न्यू कस्टमर है 50, यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई कर दोगे यहाँ पर साइन दिखाई देगा क्रॉस का, तो आपको नीचे सबसे देख सकते हैं कार्ड नेम, तो आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी। आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का जो भी सीरीज़ है कार्ड की वो आपको डाल देनी, नंबर, उसके एक्सपायरी मंथ क्या है, उसका ईयर क्या है एक्सपायरी का, और CVV, जो CVV नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर डाल दोगे तो आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना होगा। जो भी आप रिचार्ज करना चाहते हो उसके पेमेंट कार्ड के थ्रू आपको करनी होगी। तो हमने 50 रुपये का प्लान सेलेक्ट किया है, तो हम इसे क्लिक कर देते हैं प्रोसीड टू पे पे। जैसे भी आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दोगे तो वो आपको जो भी आपका कार्ड कौन से SBI का है, PayTM का है, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे आपको डायरेक्ट करेगा और आपको उसके बाद एक OTP आएगा, तो उस OTP को आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये पूरी डिटेल्स भर दीजिए और प्रोसीड टू पे पे कर दीजिए। जैसे आप कर देंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हमें OTP आ गया है, ये OTP को हमें यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप OTP डाल देंगे यहाँ पे वेरीफाई कर देना है आपको। वेरीफाई करने के बाद आपको क्लिक कर देना, हमने PayTM का है मेरा डेबिट कार्ड तो वहाँ से मैंने पेमेंट कर दिए, तो क्लिक कर देंगे वेरीफाई पे, तो आपका रिचार्ज डायरेक्टली हो जाएगा और आपको इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा 50 रुपये सक्सेसफुली आपका रिचार्ज हो गया। आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, कौन सा ऑपरेटर है वो आ जाएगा, और नीचे देख सकते हैं कैशबैक सक्सेसफुली, कैशबैक अमाउंट 50 रुपीज़। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।